टेक्निकल गार्डन में आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। हेलो गाइस, टेक्निकल गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सरमुखी बेल के बारे में जानकारी। हमारे यहाँ पे देखिए, ये जंगल में हमारी ये जो बाढ़ कर रखी है जानवरों के लिए, वहाँ पे ये बेल निकली है। मैं आपको पास में लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाल चरमू की बेल है और इसके पत्ते इस प्रकार के। ये देखिए, और मैं आपको थोड़ा आइडिया से बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे इधर कोई खेती नहीं होती है, इधर अभी ये जंगली चारा है और इधर भी ये जंगल है हमारे इधर, और इधर जरूर ये सरसों की खेती कर रखी है। और यहाँ पे एक नीम का पेड़ भी है और ये अपने आप चरमू की बेल उगी है और ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है ये बेल। और आपको मैं थोड़ा इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये चरमू की बेल किस प्रकार की रहती है, इसके पत्ते कैसे रहते हैं। हमारे दिल को सजा जो ये निकाल के देगा आपको, वो देखिए ये तोड़ रहे हैं। पूछे में ये चरमू लगते हैं, ये आपको पहली बार आपको ये पता चलेगा कि ये चरमू कैसे लगते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की ये बेल आती है, ये जो फली आती है उसमें ये चरमू लगते हैं। और आपको हम हाथ से निकाल के दिखाएंगे और इसके पत्ते कैसे रहते हैं वो भी निकाल के बताएंगे। अभी बेल मैं दिलू थोड़ी बेल भी खाँच। अभी हम आपको इसकी बेल भी बताएंगे थोड़ी। ये देखिए, ये बेल को खींच रहे हैं, इसके पत्ते ये है, ये देखिए इस प्रकार के ये पत्ते। और ये चरमू है। और अभी हम आपको इसको थोड़ा हाथ से निकाल के भी दिखाते हैं। थोड़ा देखिए आपको हम कैसे क्या निकालते हैं, नीचे निकालते हैं एक जगह। ये देखिए, ये चरमू निकल रहे हैं, नीचे बहुत सारे हो गए ये। और इसको आप उगा भी सकते हो, अगर आपको ये बेल लगानी है तो इस प्रकार के जो चरमू आते हैं उनको आप निकाल के अपने गार्डन या खेत पर लगा सकते हो। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये चरमू आपके क्या क्या काम आते हैं, जो भी आपको जानकारी हो कमेंट में लिखिए, जिससे किसी और को भी जानकारी मिलेगी। मेरे को तो सिर्फ ये यहाँ पे चरमू लग रहे थे इसलिए मैंने आपको बताए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। चरमू में देखिए, आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ, थोड़ा इस प्रकार का रहता है ये। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे, धन्यवाद। और ये जो चरमू है ये मेन खाने के लिए काम नहीं आते हैं, क्योंकि अगर इसको अगर कोई ज्यादा मात्रा में खा जाता है तो ये नुकसान करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पॉइजन भी रहता है। और कमेंट में लिखिए आप इस चरमू के बारे में क्या क्या जानते हो। चलिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।